मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया चाय बासा वालों की आवाज को? अरे ऐसी आवाज नहीं चलेगी। परिवर्तन करना है या नहीं करना है? जोर से बोलिए, करना है या नहीं करना है? सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प का मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्रीमान दीपन प्रकाश जी, विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी जी, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री रघुवर दास जी, मेरे मित्र और मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, जिनको ये सीट जीतने की जिम्मेदारी दी है, ऐसे केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे जी, दानवे साहब खड़े होकर परिचय कराइए, हमारे भाजपा के प्रभारी पूर्व उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी का के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आया, ऐसे श्री लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत जी खड़े होइए आप, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री बहन आशा लाकड़ा जी, श्री हरेश द्विवेदी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी का सांसद गण, विधायक गण, प्रदेश पदाधिकारी और आज इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सिंहभूम क्षेत्र के और चायबासा के प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को जोहार, प्रणाम, नमस्कार। मित्रों, आज सबसे पहले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम करकर, जोहार करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यह भूमि बाबा तिलका मांझी, वीर तिरंगा खड़िया, शहीद बुद्धू भगत, सिद्धो कानू, गणपत राय, देवी फूलो जानू, देवी मां की मुंडा की भूमि है। ये सभी वीर आदिवासी ट्राइबल नेताओं को, जिन्होंने अपने जान इस देश के लिए समर्पित किए, ये सभी को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, कोल्हान का क्षेत्र अनेक आंदोलनों का क्षेत्र रहा है। यहां अपने अधिकार का संघर्ष, अधिकार की मांग बहुत पुरानी रही है और ये क्षेत्र हमेशा देश की आजादी के लिए भी अग्रेसर रहा है। अभी सन 57 की क्रांति का बिगुल फूका भी नहीं था, तब 19 नवंबर 1837 में सेरंगसिया घाटी में 400 अंग्रेजों की टुकड़ी को पोटाहो के नेतृत्व में यहां पर बड़ी लड़ाई लड़कर उसका सामना किया गया। मगर बाद में जनवरी 38 में धोखे से अंग्रेजों ने पोटाहो, नाराहो, बुढ़ाई हो उनको पकड़ा और फिर फांसी पे चढ़ाया। इसके बाद
बूढ़ा हो और पड़ुआ हो को भी फांसी पर चढ़ाया। आज भी न केवल हो जनजाति के वीर हुतात्माओं को, न केवल कोल्हान क्षेत्र, मेरे गुजरात तक पूरा देश नमन कर उनके सम्मान के साथ उनको याद करता है। मित्रों, यही धरती के अंदर इतनी बड़ी समृद्धि है, इतनी खनिज संपदा पड़ी है कि पूरे भारत की गरीबी यहां से मिटाई जा सकती है, परंतु हमारे समय में पूर्ण बहुमत की एक सरकार बनी। जब अर्जुन मुंडा जी सरकार में थे तब बहुमत पूर्ण नहीं मिला था, रघुवर दास जी को पूर्ण बहुमत मिला। हमारी सरकार ने इस क्षेत्र के अंदर शिक्षा, रोड, विद्युत सब प्रकार के काम शुरू किए, मगर उसके बाद में यहां पर एक ऐसी सरकार आई जिसने झारखंड को तबाह कर रख दिया है। मित्रों, आज मैं पूछना चाहता हूं, अटल जी ने जिस कल्पना के साथ झारखंड को बिहार से अलग कर सालों पुरानी झारखंड की अलग राज्य की मांग को पूरा किया, क्या हेमंत सोरेन सरकार उसके कल्याण के लिए काम कर रही है? भाई जरा जोर से बोलिए, कर रही है? इस राज्य का मुख्यमंत्री तो आदिवासी है, इस राज्य का मुख्यमंत्री तो जनजाति का है, मगर ये सरकार आदिवासियों की विरोधी सरकार है। मित्रों, विरोधी सरकार है। इस सरकार के समय में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचा है। इस सरकार के समय में बिचौलिए, दलाल और आदिवासियों का जमीन हड़पने वालों के समय आ गए। आज मैं झारखंड के मेरे जनजातीय भाइयों को कहने आया हूं, एक घुसपैठियों से आदिवासी माता बहनों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन सरकार की है या नहीं है? क्या वो पूरी कर रहे हैं? अरे हेमंत भाई, कान खोल कर सुन लो, अब सब आपको जान गए हैं। अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए आदिवासी माता बहनों की रक्षा के साथ, उनके भविष्य के साथ जो छेड़खानी आप कर रहे हो, झारखंड का ट्राइबल आपको माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। और उसका ट्रेलर 24 के चुनाव में ही मालूम पड़ जाएगा। मालूम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा भाई? क्या होगा सिंहभूम में बताइए, कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा? लक्ष्मण गिलवा जी को आपने जिताया था, गिलवा जी अब नहीं रहे हैं, मगर मैं आज आपके पास आया हूं कि 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सिंहभूम से एक कमल लेकर दिल्ली भेज दीजिए भाई, हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे।